वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल अकेडमिक इंग्लिश आज की स्टूडियो में मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगी उसका नाम है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन सो लेट्स वी विल फर्स्ट डिफाइन इट द फैक्टर्स विच लीड टू इनफेक्टिव कम्युनिकेशन आर कार्ड बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन वो वाले फैक्टर्स जो कि एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं जो कि इनफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ लेके जाते हैं दे आर कार्ड बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन वैसे भी बेरियर्स का मतलब होता है रुकावटें हर्डल्स सच बेरियर्स हिंडर और स्टॉप द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड तर्स रिजल्ट इन फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन इस तरह के बेरियर्स ये क्या करते हैं दिंडर और स्टॉप द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जो स्मूथली चल रही होती है उसको रोक सकते हैं और या उस पर जो है हिंडर कर सकते हैं उस पर जो है रुकावट डाल सकते हैं कौन सी चीज़ें ये बैरियर्स है कुछ फैक्टर्स है जिनको हम डिस्कस करते हैं एंड तर्स रिज़ल्ट इन फेलियर ऑफ़ कम्युनिकेशन और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है कि उससे कम्युनिकेशन जो है वो नाकाम हो जाती है कम्युनिकेशन जो पहले भी मैं डिफ़ाइन कर चुकी हूँ अपनी आ, पिछली वीडियो में जिसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे को जो है कोई बात पहुँचाना एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुँचाना कोई बात डिस्कस करना लेकिन बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर दरमियान में आ जाएँ तो कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो सकती है

फिज़िकल रिसरस के नाम से पता चल रहा है ये असल में वो वाले रुकावटें हैं वो वाले बैरियर्स हैं, वो वाले हर्डर्स हैं जो कि इन्वॉर्मेंट में मौजूद होती हैं जब सेंडर जब सेंडर ऑफ द मैसेज मतलब जो मैसेज भिजवा रहा है जो कम्यूनिकेट कर रहा है और दूसरा बंदा जो सुन रहा है और ज़ाहिर वो भी जो है कम्युनिकेट करता है वो भी जो है अपनी फीडबैक देता है जब वो ऐसे इन्वॉर्मेंट में हो जिस इन्वॉर्मेंट में शोर हो नॉइज़ हो जहाँ पर वहाँ कम्फर्टेबल ना हो जहा वहाँ पर कड़े फॉर एग्जाम्पल उनके लिए बैठने की जगह नहीं हो अगर बैठने की जगह भी है तो वो कम्फर्टेबल नहीं है अगर वहाँ पर गर्मी है बहुत सर्दी है अगर वहाँ पर अंधेरा है बहुत या बहुत तेज़ रोशनी है जहाँ पर सीटिंग कम्फर्टेबल नहीं है जहाँ पर जो है और इस तरह के अनहाइजेनिक इन्वामेंट है जिसमें जो है वो सही तरह अपनी एक दूसरे की बात पर फोकस नहीं कर सकते हैं तो ये वाले बैरियर जो हैं ये फिजिकल बैरियर्स कहलाते हैं द बैरियर्स आर फाउंड इन द फिजिकल दिन ऑफ द कम्युनिकेशन आर कॉल्ड फिजिकल बेरियर वो वाले बैरियर जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट में जो है जहां पर कम्युनिकेशन हो रही है उस फिजिकल इन्वामेंट में जो बैरियर्स पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड फिजिकल बैरियर दे इंक्लूड अब इसमें क्या क्या शामिल है नॉइस अनहाइजेनिक इन्वामेंट हार्श टेम्परेचर्स आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन इनसफिशेंट लाइट एंड अनकम्फर्टेबल सीटिंग ये तमाम चीज़ें जो है फिजिकल बैरियर्स में है, और वन बाई वन मजीद में इसको एक्सप्लेन करूँगी नॉइस है दिस इज़ वेरी क्लियर अगर शोर हो रहा है तो आ, दो बंदे जो है वो एक दूसरे की बात जो है वो नहीं सुन सकते हैं अनहाइजेनिकवॉयमेंट अगर माहौल गंदा है वहाँ पर जो है मतलब स्मेल है वहाँ पर बंदा जो है आ, सही जो है उसको कंसनट्रेट नहीं कर सकते दूसरे की बात पर हार्श टेम्परेचर्स मतलब बहुत सर्दी हो या बहुत गर्मी हो आउटसाइड डिस्ट्रेक्शन अगर बाहर से बातों की आवाजें आ रही हैं बाहर शोर है बाहर कुछ इस तरह के सीन हो रहा है कि मतलब वो दोनों जो है जो बात करने वाले हैं वो बाहर देखते हैं उनकी तोज्जा बाहर की तरफ जाती है तो वो भी जो है बैरियर है इन सफिशेंट लाइट लाइट बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो दोनों इसमें शामिल हैं इन अनकम्फर्टेबल सीटिंग या तो सीटिंग हो ही ना खड़े होकर बात करना पड़े जिससे बंदा तक जाए या फॉर एग्जांपल अनकम्फर्टेबल सीटिंग हो सो दीज आर आल फिजिकल बेरियर्स नॉइस हिंडर्स द वॉइस ऑफ द स्पीकर जहरी बात है नॉइस में जो है वॉइस की समझ नहीं आती है सिमिलरली अ मैसेज के नॉट बी कन्वेड प्रॉपरली इन एन अनहाइजेनिक एंड एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड इन्वामेंट सिमिलरली इसी तरह <coughs> एक मैसेज जो है वो सही तरह कन्वे नहीं हो सकता है अगर एक इन्वॉर्मेंट जो है वो अनहाइजीनिक हो एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड हो या बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी हो तो ज़ाहिर इसमें भी बंदा जो है वो नहीं कंसनट्रेट कर सकता बोथ द सेंडर एंड रिसीवर फील बहुत सेंडर और रिसीवर जो है वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं एंड कैन नॉट फोकस ऑन द मैसेज और वो जो है अपनी फिजिकल मतलब तो माहौल की वजह से इतने डिस्टर्ब होते हैं कि वो मैसेज पे फोकस नहीं कर सकते सेम इज़ द केस विद इनसफिशिएंट लाइट एंड अनकंफर्टेबल सीटिंग इसी तरह इनसफिशिएंट लाइट भी है और

कंफर्टेबल इन्वॉर्मेंट इन तमाम मतलब इनमें से कोई भी जो है बैरियर हो उसकी मौजूदगी में कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं है या सही कम्युनिकेशन नहीं हो सकती लेकिन ये एक ऐसे बैरियर्स हैं जिनको रिमूव करना आसान है कम्युनिकेशन बहुत ईजिली इफेक्टिव हो सकती है अगर दोनों सेंडर और रिसीवर ऑफ द मैसेज बात करने वाला बात सुनने वाला अगर वो दोनों जो है किसी पीसफुल और कंफर्टेबल इन्वामेंट की तरफ चले जाएं तो ये जो है इजीली कम्युनिकेशन हो सकती है मतलब ये बैरियर्स ऐसे नहीं है कि जिनको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो ये इजीली जो है ओवरकम किए जा सकते हैं नेक्स्ट वन इज़ लैंग्वेज बेरियर्स दिस इज़ वेरी क्लियर नाम से ही पता चलता है कि क्या है लैंग्वेज अगर आ, सेंडर ऑफ द मैसेज मतलब बात करने वाला बात सुनने वाला वह वो रिस्पॉन्स वो भी देता है फिर दोनों बात करते हैं दोनों सुनते हैं वो लोग तभी बात कर सकते हैं जब उनकी लैंग्वेज सेम हो जब वो सेम लैंग्वेज समझते हो जैसे मेरी ये वीडियो जो है जो उर्दू बोलने वाले हैं या फिर हिंदी भी वो उर्दू समझते हैं वो समझने वाले हैं वो इसको समझ सकते हैं अगर वो नहीं समझते हैं उर्दू या हिंदी तो बाकी लोग जो हैं वो इसको नहीं पिक कर सकते हैं वो मेरी बात को नहीं समझ सकते हैं तो लैंग्वेज बेरियर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझने वाले लोग जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते पर हीस द मोस्ट सीरियस बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज मैसेज सेंडर ऑफ द मैसेज एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज जो दो लोग बात करते हैं उनके दरमियान जो है कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा बैरियर सबसे सीरियस बैरियर शायद वो लैंग्वेज बैरियर है टू पर्सन कैन कम्युनिकेट ओनली इफ दे नो द सेम लैंग्वेज दो पर्सन सिर्फ तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं जब वो एक ही लैंग्वेज समझते हों Therefore, a person moving to a foreign country has first to learn the language of that country. इसीलिए एक person कोई भी शख्स जब वो किसी और मुल्क में जाता है मूव करता है किसी भी मकसद uh, के लिए तो फर्स्ट ही हैज़ टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री अदरवाइज ही बी आइसोलेटेड देयर क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं उसकी लैंग्वेज को नहीं सीखूंगा सो इन द अदर कंट्री ही बी आइसोलेटेड ही विल नॉट बी एबल टू टॉक टू एनी वन इवन इन अंगल लैंग्वेज देर आर डिफरेंट एक्सेंट्स और एक ही लैंग्वेज में मुख्तलिफ एक्सेंट्स होते हैं मुख्तलिफ़ डट्स होते हैं तो वो फिर एक दूसरे की बात समझना मुश्किल हो जाता है पीपल ऑफ़ वन एक्सेंट कैन नॉट ईजीली कम्प्रिह अनदर एक्सेंट एक ही एक एक्सेंट जो बोलने वाले लोग हैं वो दूसरे एक्सेंट को समझने में उनको मुश्किल होती है दस कम्युनिकेशन इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय द लैंग्वेज बैरियर इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एफेटेड होती है लैंग्वेज बैरियर से दिस बैरियर इज़ नॉट ईजी टू ओवरकम अब यहाँ पर आप ईजीली कम्पेरिजन कर सकते हैं जो फिजिकल बैरियर्स थे वो बहुत ईजीली ओवरकम हो सकते हैं शोर है तो शोर को ख़त्म किया जा सकता है या शोर के ख़त्म होने का इंतजार किया जा सकता है या इन्वॉर्मेंट चेंज किया जा सकता है लेकिन लैंग्वेज बैरियर इज़ नॉट एन ईजी बैरियर टू ओवरकम एज लर्निंग अ फॉरन लैंग्वेज इज एट लेबॉरियस टास्क जारी बात है दूसरी लैंग्वेज सीखना आसान नहीं होता है ये बहुत जो है लेबोरियस टास्क है मेहनत वाला काम है और दूसरी बात ये बहुत टाइम जो है इसमें लगता है सो दिस इज़ इज नॉट टू ओवरकम थर्ड सोशियो कल्चरल नाम से हमें क्लियर है सोसाइटी एंड कल्चर हर एक कंट्री uh, में बल्कि हर एक कंट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं जिनकी जो है सोसाइटी डिफरेंट होती है जिनका कल्चर डिफरेंट होता है ठीक है तो हम जो है ठीक है लैंग्वेज हमने सीख ली है फॉर इफ़ आई एम गोइंग टू अनदर कंट्री मैंने वहाँ की लैंग्वेज सीख ली फ़ाइन मैं वहाँ पर जाकर कम्यूनिकेट कर सकती हूँ लेकिन मुझे वहाँ के रूल्स नहीं पता है वहाँ के नॉर्म्स वहाँ के वैल्यूज़ नहीं पता है मुझे नहीं पता कि मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जो है मैंने किस तरह बिहेव करना है जैसे वहाँ पर कोई डेथ होती है तो मैंने किस तरह के ड्रेसअप होके जाना है किस तरीके से खड़े होना है कहाँ बैठना है किस तरह से बात करनी है और अगर कोई शादी का मौका है तो किस तरह ड्रेसअप हों कहाँ जाऊँ किस तरीके से जो है वो खाना अच्छा फिर खाना कहाँ के अपने जो है अपने नॉर्म्स होते हैं अपने तरीके होते हैं कि कहाँ पर जो है गोश्त गाया जाता है कहाँ पर गोश्त गाने को जो है बुरा समझा जाता है कहाँ पर वेजिटेबल्स गाए जाते हैं और भी बहुत सारे है मतलब ज़िंदगी में हर मौके पर तरह स्कूल में यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह पर उठने बैठने का हर चीज़ का एक तरीका होता है तो सोसाई सोसाइटी के नॉर्म्स और कल्चर के नॉर्म्स समझना जरूरी है क्योंकि अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो दूसरी सोसाइटी या कल्चर के लोग जो है उसको माइंड करेंगे और वो उसको जो है नेगेटिव लेंगे वो समझेंगे कि हम जानबूझ के जो है वो नेगेटिवली जो है वो बिहेव कर रहे हैं और उससे जो है फिर ज़ाहिर हम कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा मसला हो सकता है एवरी सोसाइटी एंड कल्चर इज़ डिफरेंट फ्राम अन दिस इज़ वेरी क्लियर इच हैज इट ओन नॉम्स एंड वैल्यूज हर सोसाइटी और कल्चर दूसरी सोसाइटी और कल्चर से डिफरेंट होता है हर सोसाइटी और कल्चर के अपने अपने नॉम्स और अपने अपने वैल्यूज जैसे कितने अकदार होते हैं अपने तौर तरीके होते हैं इवन आफ्टर लर्निंग अ फॉरन लैंग्वेज अ परसन मे फाइंड इट इज डिफिकल्टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ अ डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटी इफ़ ही डज नॉट नो अबाउट दियर वैल्यूज यहाँ इवन कि अगर किसी दूसरे फॉरन लैंग्वेज हम सीख भी जाए और एक बंदा वहाँ चला भी जाए तब भी जो है उसको कम्युनिकेट करने में मुश्किल होता होगा एक डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट सोसाइटी के लोगों से कम्युनिकेट करने का इफ ही डज नॉट नो अबाउट दियर वैल्यूज वो जो है दूसरे कल्चर के लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अगर उसको पहले से उनकी वैल्यूज का पता नहीं होगा उनके रस्मों रिवाज और तो तरीकों का पता नहीं होगा ही विल हैव डिफिकल्टी इन अडॉप्टिंग द एक्सेप्टेड वेज ऑफ लिविंग इन दैट सोसाइटी उसको मसला होगा उसको डिफिकल्टी होगी कि अगर वो उस सोसाइटी के एक्सेप्टेड वेज़ ऑफ़ लिविंग मतलब ये कि हर सोसाइटी के रहने में रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं जो उस सोसाइटी के लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये तरीका ठीक है डेथ पर इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं इस तरह से उठा बैठा जाता है ये लफ्स लव, ये बोले जाते हैं किसी को रिस्पेक्ट देना हो तो ये किया जाता है उस सोसाइटी के लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये एक्सेप्टेड वेज़ ऑफ लिविंग है तो अगर एक शख्स जो है वो दूसरे मुल्क में जाता है उसको लैंग्वेज तो आती है लेकिन उसको पता नहीं है उनके वैल्यूज क्या हैं, तो उस वैल्यूज को अडॉप्ट करना जाहिर है उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है फॉर एग्जाम्पल ही मे नॉट नो वट टू वेयर ऑन डिफरेंट ओकेजन फॉर एग्जाम्पल अगर उसे ये नहीं पता है कि डिफरेंट ओकेजन में उसने क्या पहनना है उनकी अगर ईद है अगर क्रिसमस है अगर मतलब हिंदुओं के त्यौहार है या उनकी डेथ है या वहाँ जो है कोई शादी वगैरह है उसको नहीं पता कि वहाँ के लोग कैसे पहनते हैं हाउ टू स्टैंड इन डिफरेंट सिचुएशन उसने कैसे कड़ा होना है कि लेडीज आ जाए तो कड़े हो जाना चाहिए क्या एल्डर्स आ एल्डर जाए तो कड़े हो जाना चाहिए बच्चों से किस तरीके से बात करनी चाहिए उसको नहीं पता होता हाउ टू ईट इन हाउ पे रिस्पेक्ट टू अदर वो कैसे खाए और कैसे दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट दे द इग्नोरेंस ऑफ अदर वैल्यूज मेक हिम शाय इन इंट्रोव दूसरे लोगों के वैल्यूज़ को जो है ना जानना उसकी इग्नोरेंस जो है उसको शाए बनाता है उसको इंट्रोवर्ट बनाता है ज़ाहिर वो घबरा जाता है अगर उसने कोई गलत हरकत की और कोई किसी ने उसको जो है मतलब बुरा मान लिया किसी माइंड कर लिया तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो वो शाए हो जाता है वो इंट्रोवर्ट हो जाता है वो रिज़र्व हो जाता है विच लीड टू तो इनफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसकी वजह से वो कम्यूनिकेट नहीं कर पाता बेरियर दिन इज साइकोलॉजिकल बेरियर दिस इज़ वेरी मच कर साइकोलॉजिकल मतलब नफसियात एक बंदे की इमोशंस अगर कम्युनिकेशन करते वक्त एक बंदा बहुत गुस्से में है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा फ्रस्टेटेड है या बहुत ज़्यादा खुश है तब भी जो है वो सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकता अगर वो डर रहा है तब भी वो बात नहीं कर सकता साइकोलॉजिकल बेरियर्स मीन द मेंटल इन इमोशनल स्टेट ऑफ द सेंडर और द रिसीवर ऑफ द मैसेज साइकोलॉजिकल बेरियर्स जो हैं, उसका मतलब ये है कि बात करने वाला या सुनने वाला दोनों किसी का भी जो मेंटल या इमोशनल स्टेट वो कैसा है वो साइकोलॉजिकल बेरियर्स में आते हैं अगर उसके मेंटल और इमोशनल स्टेट जो है वो नॉर्मल नहीं है उसमें कुछ मसला है या बहुत एक्साइटेड है और बहुत अफसरदा है बहुत खुश हैं गुस्से में है तब वो सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकता अ पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट वेल इफ़ ही इज एंग्री फ्रस्ट्रेटेड और एक्सट्रीमली एक्साइटेड एक बंदा अगर वो बहुत गुस्से में है तब भी वो अपनी बात सही तरीके से नहीं करेगा वो कुछ कहना चाहेगा लेकिन वो कुछ और कह देगा अगर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा या बहुत ही खुश होता, होता है एक्साइटेड होता है जैसे एक आ, कोई स्टूडेंट है उसको बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है अपने घर की तरफ से या वट

के ना सो नॉट कंसनट्रेट ऑन द मैसेज एक बंदा एक शख्स जो डरता हो उसके दिल में खौफ हो इन्वायरमेंट से डरता हो या इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे डरता हो तो वह मैसेज पर कंसनट्रेट नहीं कर सकता इसकी बहुत क्लियर एस, एस सिंपल मिसाल है कि जिस टीचर से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरते हैं उसकी लेक्चर की भी समझ नहीं आती है क्योंकि उनको खौफ होता है वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते सुन तो लें लेकिन उस सुनने में भी जो है उनको डर लग रहा है और फिर वो कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं डर अपने खौफ की वजह से या किसी भी शख्स से जिससे हम डरते हैं उससे हम सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकते तस्दीश साइकोलॉजिकल बेरियर्स कैन डिस्ट्रैक्ट द कम्युनिकेशन बस ये जो साइकोलॉजिकल बेरियर्स होते हैं ये कम्युनिकेशन को डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब करते हैं नंबर फिफ्थ वन इज एटीटनल बेरियर एटीट्यूड एक बंदे का एटीट्यूड कैसा है उसका रवैया कैसा है फर्स्ट ऑफ ऑल Uh, क्या वो सुनना चाहता है या वो नहीं सुनना चाहता लोग ऐसे भी होते हैं जो कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते हैं जो टीचर का लेक्चर नहीं सुनना चाहते जो माँ बाप की बात नहीं सुनना चाहते जो अपने फ्रेंड की बात नहीं सुनना चाहते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते हैं ठीक है फिर और भी जो है एटीट्यूड्स होते हैं एक बंदा जो बहुत एरोगेंट हो जो समझता है कि उसे सब कुछ आता है उसको किसी का लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है या किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है या शख्स जो खुद को बहुत जहीन समझता है वो दूसरों की एडवाइस नहीं सुनता है

एक शख्स जो इंट्रोवर्ट है से लोग होते हैं जो शाय, जो शर्मीले होते हैं जो इंट्रोवर्ट, जो अपने आप में गुम रहना पसंद करते हैं वो ना ही अपनी फीलिंग दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं ना उसी मतलब सुन तो लेते हैं लेकिन वो अपनी बात नहीं करते हैं तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती समटाइम्स अ पर्सन इज टू लिसन टू अदर्स बाजुत एक बंदा ख़ुद को बहुत ऊंचे समझता है एरोगेंट होता है तो वो दूसरों की नहीं सुनता लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द ऑन गन डिस्कशन रिजल्ट इन पोअर कम्युनिकेशन सबसे बड़ी जो है कम्युनिकेशन में यही हार्डल है कि लोग सुनना ही नहीं चाहते लेक ऑफ इंटरेस्ट होता है अ पर्सन हु अवॉइड रिस्पांसिबिलिटी डज नॉट वॉन्ट टू लिसन टू द मैसेज और फिर ये भी कि एक शख्स जो कि रिस्पॉसिबिलिटी लेना नहीं चाहता है वो डायरेक्शन को सुनना ही नहीं चाहता है क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहता है वो जिम्मेदारी वो लेना ही नहीं चाहता तो वो भी जो है अवॉइड कर है और दूसरों का मैसेज नहीं सुनता नंबर वन इज फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकलियर्स मतलब ये कि जो सेंडर है of the message है receiver of the message है ऑफ ऑफ द द मैसेज मैसेज रिसीवर उनकी फिजिकल uh, हालत मतलब वो कोई बीमारी uh, उनमें हो या वो जो है वो बीमार हो या उनकी आईसाइट वीक हो वो देख ना सकें रिटर्न कम्युनिकेशन पढ़ ना सकें उनको हियरिंग का मसला हो तो वो सुन ना सकें उनको स्पीकिंग का मसला हो तो बोल ना सके तो दीज आर कार फिजियोलॉजिकल बेरियर्स फिजियोलॉजिकल बेरियर में रिजल्ट फ्रॉम द सेंडर फिजिकल स्टेट वो उनकी फिजिकल स्टेट है जो फर्स्ट वन हमने फिजिकल बेरियर्स पढ़ा था वो इन्वॉर्मेंट में फिजिकल फैक्टर्स आ जा जाते हैं जैसे शोर वगैरह ये जो फिजियोलॉजिकल बेरियर्स हैं ये जो बोलने वाला है या सुनने वाला है कम्युनिकेशन में जो दो लोग इन्वॉल्व हैं उनके फिजिकल स्टेट उनकी जिसमानी हालत कैसी है फॉर एग्जाम्पल इम्पेयरमेंट एक बंदा जो हेयरिंग जिसकी हेयरिंग मसला हो सुन सुन नहीं सकता सही तरीके से पोअर आई साइट या वो जो आई साइट पोअर हो तो रिटर्न मैसेज नहीं पढ़ सकता और स्टैमरिंग एक बंदा जो कि स्टैमर करता हो जो सही तरह बोल नहीं पाता हो एटसेक्ट्रा इस तरह और भी हो सकती है कोई और बंदा बीमार हो ठीक है आल्सो इफ अ पर्सन परसन इज नॉट फीलिंग वेल ऑफ इज सफरिंग फ्राम सम काइंड ऑफ फिजिकल पेन ही कैन नॉट कंसनट्रेट ऑन द मैसेज फॉर एग्जांपल एक शख्स को ये सारे मसले तो नहीं है लेकिन वो उस वक्त बीमार हो उसकी तबियत बेहतर ना हो या सम काइंड ऑफ फिजिकल पेन उसके सर में दर्द हो कोई और उसको पेन हो रहा हो ही कैन नॉट ऑट ऑन द मैसेज तो जाहिर बात है वो मैसेज पर कंसनट्रेट नहीं कर सकता शॉर्टली बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मेक कम्युनिकेशन इन इफेक्टिव दिस इज वेरी सिंपल जो बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उससे कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो जाती है दे आर मैनी वो काफ़ी ज़्यादा ये बेरियर्स हैं एंड दे नीड टू बी वाइजली फॉर कंडक्टिंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन और एक अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए इन तमाम बेरियर्स को टैकल करना होता है बहुत वाइजली जो है उनको देखना पड़ता है उनको रिमूव उनको ओवरकम करना पड़ता है दिस वॉज ऑल अबाउट बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो